नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक मंत्र ऐसा भी है जो आपकी सभी बाधाओं को चुटकियों में दूर कर सकता है, और एक देवता ऐसे हैं जिनसे भूत प्रेत डरकर उल्टे पांव भाग जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं उनका नाम? अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि केवल एक हनुमान जी ही है जो कलयुग के चिरंजीवी देवता कहे जाते हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ना सुनावे। तो दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का सिद्ध मंदिर है और यहाँ के महंत पंडित श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी के परम भक्त माने जाते हैं। तो खुद गुरुजी ने सर्व बाधा मुक्ति के लिए हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताया है जिसे अगर आप 3 बार बोलकर सो जाएंगे तो सुबह तक आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि खुद बालाजी महाराज आपके सभी काम सिद्ध करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वह मंत्र तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्त, तो स्वागत है आपका जय सीताराम जय बालाजी महाराज वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी भी बीमारी हो या आपको डर लगता हो या बुरे सपने आते हो या नींद नहीं आती हो या फिर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका किया हुआ हो, तो हम सबसे पहले जिस देवी देवता का नाम लेते हैं वह है हनुमान जी। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आप सरलता से पूजा कर सकते हैं और इनकी सिद्धि भी की जा सकती है। महाबली हनुमान जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता है और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हो तो केवल एक हनुमान चालीसा से ही आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। तो इसी के चलते बागेश्वर धाम के गुरु जी ने बताया कि जो भी मंगलवार और शनिवार को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन्हें कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं सता सकती और उनके सभी बिगड़े हुए काम बनाने के लिए हनुमान जी खुद आते हैं। ऐसे में गुरु जी ने अपने भक्तों को कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जैसे कि अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां खत्म नहीं होती और पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, लगातार बनते हुए काम बिगड़ते रहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, या अगर आपके घर पर किसी ने टोना टोटका या फिर जादू टोना करवा दिया है, तो ऐसे में अगर कोई देवता आपकी सहायता कर सकते हैं वह केवल हनुमान जी ही है, क्योंकि हनुमान जी को माता पार्वती से 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला हुआ है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी सिद्धियां मौजूद है सभी हनुमान जी के बस में है। तभी तो खुद सूर्य देव और शनिदेव जैसे देवता भी हनुमान जी से भय खाते हैं। अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, और बड़े बड़े संत महात्माओं का कहना है कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही आप हनुमान जी को स्वयं के आसपास महसूस कर सकते हो। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा कर भी देख सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी हनुमान जी बहुत जल्द आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। साथ में अगर वह दीपक आपने आटे का बनाया है तब तो यह सोने पर सुहागा का काम करता है, क्योंकि आटे के दीपक में दीप प्रज्वलित करते से उसकी शक्ति 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और वही जो लोग हनुमान जी को विशेष तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं या अपनी कोई विशेष इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, तो वह हनुमान जी का वीर चरित्र सुंदरकांड और किष्किंधा कांड का पाठ अपने घर पर 7 मंगलवार और शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। साथ ही गुरु जी ने यह भी कहा कि जो लोग हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं उन्हें भी हनुमान जी अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक बार माता सीता जब अपनी मांग भर रही थी तभी हनुमान जी ने उनके कक्ष में जाकर उनसे पूछा कि माता सीता आप यह क्या कर रही है। तब सीता माता ने उन्हें बताया कि वह सिंदूर लगा रही है और इस सिंदूर को लगाने से उनके श्री राम की आयु बढ़ती है और वह खुश होते हैं। बस इसी बात को सुनकर हनुमान जी ने
अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और तभी से यह कहा जाने लगा कि जो भी हनुमान जी पर सिंदूर लगाता है उससे श्री राम की आयु बढ़ती है और श्री राम को प्रसन्नता होती है। तो जो भी भक्त श्री राम को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं हनुमान जी खुद ब खुद उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा कि जो भी भक्त हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें शनिवार और मंगलवार वाले दिन उनकी मूर्ति पर चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के दरबार में हर कोई अपनी अर्जी लगाना चाहता है तो उन्होंने इसका भी सरल उपाय अपने भक्तों को बताया है कि जो भी भक्त उनके दरबार में अर्जी और पेशी लगाना चाहता है लेकिन उनकी अर्जी नहीं लग पा रही है या फिर वह अपने घर से बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं तो वह अपने घर पर बैठकर भी पेशी और अर्जी लगा सकते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक नारियल लेना है और उसे लाल कपड़े में बांध लेना है। इसके अलावा उस नारियल पर 7 बार मौली लपेटना है और बागेश्वर बालाजी का नाम है और ओम बागेश्वर वीर विराया हूँ फट स्वाहा का जाप करना है और इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो उसकी पेशी मान ली जाती है और बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार जल्द ही उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने घर में भूत बाधा को दूर करने का एक अचूक उपाय भी बताया है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है या फिर किसी इंसान के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है तो आप हनुमान जी का नाम लेकर एक नारियल ले लीजिए और इसको लाल चुनरी से लपेटकर इस पर 11 बार मौली लगाएं और कम से कम 108 बार बागेश्वर धाम के महामंत्र का जाप करें और उसे हनुमान जी से प्रार्थना कर धूप दीप और नैवेद्य से सिद्ध करें और फिर हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी अब हम आपके भरोसे हैं, हमारे हित और अहित आपके ही हाथ पर हैं, आप जैसे चाहो वैसा हमारे साथ करना और फिर इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दे और जल्द से जल्द बागेश्वर धाम आने का प्रयास करें। बागेश्वर धाम आने के बाद इसी नारियल की पेशी लगाएं या फिर इसे वहीं पर पीपल के पेड़ पर बांधे। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी भूत बाधा होगी और सब बागेश्वर बालाजी सुलझा देंगे और आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ गुरु जी ने अपने भक्तों को एक ऐसा सर्वबाधा मंत्र भी दिया। दरअसल होता क्या है कि हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां हो तो हम इसमें उलझे रह जाते हैं कि आखिर अब किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जब तक पूजा पाठ करें। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को एक ऐसा महामंत्र बताया जिसे अगर आप रात को 3 बार बोलकर सो भी गए तो भी आपके ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहेगी और वह आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। तो आखिर वह मंत्र क्या है तो सुनिए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो दोस्तों यह है वह मंत्र जिसे आपको कम से कम 3 बार या फिर 108 बार एक ही जगह पर बैठकर जाप करना है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आपके घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाना है और सच्चे मन और विश्वास से बागेश्वर बालाजी का ध्यान करना है और अपनी हर परेशानी हर बाधा को हनुमान जी के भरोसे छोड़ देना है। फिर इस मंत्र का चमत्कार देखिए कि कैसे बालाजी सरकार आपके हर काम को सिद्ध करते हैं और आपकी सारी परेशानी समस्या अपने आप सुलझती जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए यह बातें आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जय बालाजी जय सीताराम जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। जय सीताराम।